हम बात करेंगे कि हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में हर कोई कामयाबी की चोटी पर पहुंचना चाहता तो है लेकिन जब नाकामी जो है वो उसको एक दफ़ा सामना करना पड़ता है तो वो शख्स जो है वो अपनी कामयाबी से मेरा हालत दूर भाग जाता है। हमने तो देखा है प्रैक्टिस अच्छा, लोगों की ये होती रही है। लेकिन हमजा देखा जाए जो कामयाब लोग हैं उनके पीछे भी देखना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। हम ये चीज़ देखते हैं कि हम एक चीज़ को ट्राई करते हैं वो नहीं हो पाती है, हम दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं उस चीज़ को दूसरी दफ़ा ट्राई नहीं करते हैं तो शायद यहाँ से मसला शुरू हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं उसमें भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उसका भी हमें नहीं पता होता, 10% नॉलेज होता है, हम वो काम छेड़ बैठते हैं, फिर उसमें फेल हो जाते हैं, तीसरा काम छेड़ लेते हैं। पहले काम को दूसरी दफ़ा हम क्यों नहीं कर रहे होते हैं और बार बार कोशिश क्यों नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी कहा जाता है कि जी के वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो ये कैसे पता लगे कि भाई इसमें हमें नाकामी ही होती चली जाएगी, शायद हम कहीं वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे, और कब पता लगे कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है ना कि इसी चीज़ से हम जो है जुड़े रहे। लेकिन हमजा मगर समझने की बात तो यहाँ पे ये ना कि नाकामी जो है वो तकलीफ दे हो सकती है मगर ये नाकामी ही है जो कामयाबी की तरफ आपको गामजन करती है। आप कहने की पहली सीढ़ी होती है और नाकामी आपको वो कुछ सिखा देती है जो आम तौर पर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं सीख सकते इस तरह की चीज़ों से। इसके लिए आप का रवैया कैसा होना चाहिए, आप चीज़ों को परसीव कैसे कर रहे हैं, आप अपनी नाकामियों को कोताहियों को क्या दुरुस्त करने का जज्बा भी रखते हैं या फिर आपको ये लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक था जो मेरे साथ हुआ वो गलत हो गया। ये सारी चीज़ें हैं और जो कामयाब तरीन दुनिया के लोग हैं उनका रवैया कैसा होता है, उनकी क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, इस पे आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम साहब, शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। नाकामी से डरना नहीं चाहिए ये हम सुनते आए हैं, लेकिन हम एक चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ ट्राई करना शुरू कर देते हैं। बुनियादी गलती क्या है, क्या हमें बचपन से जो चीज़ सिखाई गई वो दुरुस्त नहीं थी या हम उसको समझ नहीं पाए हैं? जा बहुत बहुत शुक्रिया। नाकामी से नहीं डरना चाहिए, नाकामी बहुत ज़रूरी है, इस पर बहुत सा लिटरेचर और बातें तो मौजूद हैं, लेकिन हमें समाज के रवैये को देखना पड़ेगा। ये समाज नाकामी को शदीद डिस्करेज करता है, इसमें तंज मजाक, किसी की इंसल्ट करना, किसी की पंजाबी में कहते किट लगाना, ये बड़ा कॉमन है। अब होता क्या है कि इतना शायद नाकामी का खौफ नहीं होता जितना लोगों के उस नाकामी के बाद रद्देमल जो है, जो माशरे का प्रेशर है उसका खौफ बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते। बड़े लोग आप तो कह रहे हैं ना काम करना और नाकाम होना, मैं कहता हूँ ये काम करना और नाकाम होना तो बाद की बात है, इनिशिएटिव लेना, आगाज करना, शुरू करना, सर लोगों में इनिशिएटिव ही नहीं होता। वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते, उन्हें डर होता है कि अगर हमने इनिशिएटिव लिया और नाकामी आई तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहला असूल तो ये है कि लोग क्या कहेंगे इस परवाह से आप आजाद हो जाइए। आप वक्त के वलीउल्लाह हैं, आप नेक तरीन इंसान हैं, आपके पास दुनिया के करेक्टर मॉरल के सारे सर्टिफिकेट हैं, फिर भी याद रखिएगा सारी दुनिया को आप राजी नहीं कर सकते। लोग तरह तरह की बातें करेंगे ही, नाकाम पे भी करते हैं और कामयाब पे तो ज्यादा करते हैं जी। ये याद रखें, जब आप कामयाब हो जाते हैं ना तो आप जिस हाइट पे होते हैं, जिस जब डिजिटल आपका होता है वहां पर आप पे तनकीद, क्रिटिसिज्म, प्रोपेगेंडा वो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह आप नजरों में आ जाते हैं। बोनो के देश में कदावर जो है उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। आप बोनो में बोना रह के जी लें तो ठीक है, बोनो में कदावर होंगे तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो किसी जगह एक तस्वीर बनी हुई थी हमजा जी, कि एक जो रंधा फेरते हैं ये जो कारपेंटर, तो वो उसमें सारे जो सर थे वो ऐसे सारे बंदे खड़े थे, रंधा फेरा जा रहा था और एक का सर ऊंचा था और वो रंधा फेरने वाला इंतजार कर रहा था कि मैं इसको भी रंधा फेरूं और सबको बराबर कर दूं। तो ये याद रखिए, एक 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 समाज में सबसे पहला तो नाकामी को डिस्करेज करने का रवैया है। इसमें आपको आम जिंदगी गुजारने वाले लाखों हजारों करोड़ों लोग मिलेंगे, गैर मामूली जिंदगी जी के जाने वाले लोगों की जिंदगी में आपको बर्दाश्त मिलेगी, उनको समझ आ जाती है कि ये जो तनकीद है, ये जो बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। देखिए तनकीद करने वाला तनकीद कर रहा होता है, आपका कमाल ये है आप काम करते रहे, आप डट के काम करें। आप अगर जुबान से जवाब देना चाहेंगे तो थक जाएंगे, इसका एक ही तरीका है, चुप करके सर नीचे करके लगे रहें, आपका काम जवाब देगा। बिल्कुल, काम से जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा शाह साहब, एक सेंटेंस मैं हमजा से भी डिस्कस करी थी, नेवर फेल टू ट्राई मोर, इसको एलेबोरेट कर दें और कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में कि हम हार ना माने, हम अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें। अच्छा देखिए, आपकी कोशिश जारी रहने की कोई दलील और वजह होनी चाहिए, यानी बाज चीजें आपके लिए होती नहीं है। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, मिसाल लीजिएगा हमें कोई सुन रहा है और उसके घर में उसका लाइफ पार्टनर बहुत जिद्दी है,
बहुत अक्खड़ है, तो वो दीवार के साथ टकरे मारता रहता है और कोशिश करता है दीवार टूटेगी, रास्ता बन जाएगा, सर फूट जाएगा, सर टूट जाएगा, रास्ता नहीं बनेगा। अब यहां पर तो नहीं लिखा जा सकता ट्राई मोर और मजीद कोशिश कीजिए। आपको बड़ी जिंदगी में बड़ी चीजों को तो एक्सेप्ट करना होता है, अपनी नाकामियों को, अपने से मुख्तलिफ रवैयों को। कहीं ऐसे रस्ते हैं, कहीं ऐसे ट्रैक हैं जिन पे आप नहीं चल सकते, आपको एक्सेप्ट करना होता है ये मेरे लिए नहीं बने। इस सारी जिंदगी में आप देखिए तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सारी जिंदगी में हजारों प्रोफेशन है आपके सामने, हजारों फील्ड्स हैं, किसी एक का इंतखाब आपने करना है। मेरी गुजारिश है छोटे से छोटा काम पकड़े, लेकिन उस छोटे से छोटे काम में आप एक प्रॉपर बड़ा ख्वाब बनाए। काम छोटा हो, ख्वाब बड़ा होना चाहिए। जैसे एक काम हो सकता है जी, आप एक बच्चा पढ़ाना शुरू करते हैं, आपका ख्वाब होना चाहिए कि आपने एक पूरा इदारा बनाना, यानी कि इब्तदा छोटी सी है। ये जो कल पे यकीन है, आने वाले वक्त पे यकीन है, ये मुश्किलात से लड़ना सिखाता है, ये ट्राई अगेन आपको सिखाता है। लेकिन अगर कल पे यकीन नहीं है, आपके पास कोई ख्वाब नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, तो फिर याद रखिएगा सिर्फ लेक्चर बातें आपको मोटिवेट नहीं करेंगी। सबसे बड़ी मोटिवेशन अपना ख्वाब होता है, अपना ख्वाब। वो ख्वाब नहीं जो लोगों ने आपके लिए देखा हुआ है, ख्वाब वो जो मेरा अपना ख्वाब है, जिसके लिए मैं जी रहा हूं, जिसके लिए मैं सोता उठता जागता सब कुछ कर रहा हूं। वो एक ख्वाब के गिर्द आपकी अगर जिंदगी नहीं घूम रही, आप मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते। ठीक है शाह साहब, एक अहम चीज़ है, मोटिवेशनल स्पीकर्स पर भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मीम्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही होती है। ये कहा जा रहा होता है कि जी मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ तो हर वाक्या पेश आया होता है, लेकिन ये मामला, ये मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। नाकाम तरीन लोग जिनके पास कुछ करने को नहीं होता। जुमला पूरा बोले ना, जी प्लीज जुमला पूरा बोले ना, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ हमला होने के अलावा हर वाक्य हो चुका है। एग्जैक्टली, ये भी मीम्स, इस तरह की मीम्स बनती हैं, यकीनन आपकी भी नजर से गुजरती हैं। मामला ये है कि हम क्यों ऐसा कर रहे होते हैं कि हम नाकाम हैं, और फिर अगर कोई शख्स हमें चंद लोगों की, जो कामयाब तरीन लोग हैं उनकी जिंदगियों की चंद आदात अपने मुताले के थ्रू अगर डिलीवर करना चाह रहा है और लोगों को समझाना चाह रहा है, तो हमें उस पर भी एतराज है। फिर एक ऐसा शख्स जो कुछ नया काम करने के लिए जा रहा है, पांच दोस्त हैं, चार नौकरी कर रहे हैं, एक बिजनेस करने के लिए जा रहा है, वो चार उसको भी रोक रहे हैं कि भाई तुमने भी ये नहीं करना, देखो नौकरी पे तो महीने बाद फिक्स इनकम आ जाती है ना, इसमें तुम डूब गए तो पता नहीं क्या होगा। अब इन चीजों से लोग क्या कहेंगे, इससे दिमाग साइड पर करना ये कहना बहुत आसान है, ये करना कैसे है, इसकी चंद टिप्स भी हमें देके जाएं कि भाई किस तरीके से किन लोगों की बात सुननी है और किन की बात नहीं सुननी है, इसमें एक तफरीक करनी पड़ेगी। हमजा, मैं इस सवाल को दोहराऊंगा, ये आप एक मोटिवेशनल स्पीकर से पूछ रहे हैं या पब्लिक के लिए पूछ रहे हैं? सर मैं कासिम अली शाह साहब से पूछ रहा हूँ, लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं उसी तरह से जवाब को समझ पाएंगे। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखिए, ये सब चीजें ये अलामत है कि आप डिस्कस हो रहे हैं। ये मैं अपना आपको मुद्दा बयान करता हूं, या मैं इसको किस तरह से लेता हूं, या यकीनी बात है कि वो सारी क्रिटिसिज्म चीजें, मीम्स, वो सारा कुछ आप देखते हैं, मेरे खिलाफ भी होता रहता है, तो ये एक तो अलामत है कि आप कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर आपके काम से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, आपके काम से कोई असर नहीं पड़ा, तो आपके ऊपर तनकीद भी नहीं होगी और आपके हासिद भी नहीं होंगे। ये दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है जी, क्रिटिक्स और जेलिस, हसद करने वाले और तनकीद करने वाले अलामत हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। जैसे मुसाफिर के चेहरे की गर्द बताती है वो मुसाफिर है, जैसे मुसाफिर की जूती घिस जाती है बताती है कि मुसाफिर है, जैसे किसी की कूनी छिली हुई है तो बताते हैं कि वो कोशिश कर रहा है, जैसे हाथों के छाले बताते हैं कि मजदूर है, मेहनती है। इसी तरह अगर आप जिंदगी में, आपका फलसफा, आपके नैरेटिव्स, वो वाकई सोसाइटी में कोई इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर दो चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा, एक तनकीद का, दूसरा हासिदों का। अच्छा, तनकीद में एक तनकीद बड़ी अच्छी होती है, वो तनकीद है तनकीद बराए इसलाह, लेकिन वो तनकीद बराए इसलाह करने वाला आपके कान में कहता है, आपको मिलकर टाइम लेके कहता है। बिल्कुल, तनकीद बराए तनकीद का जो रवैया है वो आपको फेसबुक पे नजर आता है, सोशल मीडिया पे नजर आता है, ट्विटर पे नजर आता है, सब जगह नजर आता है। और ये रवैया जो है, ये नाकाम लोगों का रवैया है, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूंगा, ये उन लोगों का रवैया है जिनको अगर आप थोड़ा सा डिग डाउन करें और उनकी जाती जिंदगी या प्रोफेशनल लाइफ में जाके देखेंगे, आपको कमाल किस्म की नाकामियां नजर आएंगी। वो नोवेयर होंगे, वो कुछ नहीं कर पाए तो आखिरकार वो तनकीद करने लग पड़े। एक जुमला ये भी बोला जाता है कि जो खुद भाग नहीं सकता
वो दूसरों को भागने की तालीम दे रहा है, ये तनकीद है। यानी ऐसी तनकीद से तो अल्लाह की पनाह। अब हसद क्या है? हसद इस शक्ल में है कि एक बंदा कोशिश कर रहा है, वो कहता है मुझे यहां होना चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, हासिद बड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है, वो बड़ी तफसील से सुनता है, समझता है, सारी वीडियोस को फॉलो करने के बाद फिर नया एंगल बिल्ड करता है। ये जो एंगलिंग का वर्ड है जो मीडिया की टर्म में बोला जाता है, ये बड़ी एक अजीब चीज है कि किसी भी चीज को कोई रंग दे दिया जाए, किसी भी चीज का जो है वो एक ऐसा रंग या ऐसा उसको फ्लेवर दिया जाए या ऐसा तासुर कायम किया जाए जिससे किसी का नाम या किसी का फेम खराब हो जाए। अब आप एक बात याद रखिएगा, एक बड़ा इंसान इन चीजों से आजाद होता है, इवन मैं कहता हूं तारीफ से भी आजाद हो जाता है। अगर आपके पास वाकई काम का पैशन है, आप काम को डूब के कर रहे हैं, तो आपका पूरा ईमान और यकीन होता है कि मेरा काम ये वक्त और सेंचुरीज में कहीं देखा जाएगा, ये किसी और जमाने में भी इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि किस अंदाज से काम हुआ और किस अंदाज से लोगों की सोच बदली। अच्छा, आपको क्योंकि मनफी चीजें नजर आ रही होती हैं ज्यादा, लेकिन मैं ये भी कहूं कि मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले, आपके साथ खड़ा होने वाले, उनकी तादाद भी हजारों में होती है। सही, यानी वो बंदा अगर ढूंढे तो वो कहेगा यार ये अल्लाह का कितना करम है कि लोगों के दिलों में प्यार भी अल्लाह ने कितना डाला है, मोहब्बत भी कितनी डाली है। सो अगर कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, ये तनकीद करने वाले, हसद करने वालों से बिल्कुल आप परवाह इनकी ना कीजिए। अपना काम, अपना पैशन, डटे रहना, लगे रहना और अल्लाह पे पूरा भरोसा करना। सच्चा बंदा जो है वो पूरी कोशिश के बाद दुआ करता है। बिल्कुल, दुआ जो है ना वो अलामत है कि उसको अल्लाह की मदद की जरूरत है। बिल्कुल, अल्लाह की मदद की जरूरत है और जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं रखना। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, पाकिस्तान से गुफ्तगू करे थे और उन्होंने दिए आगे बढ़ने के कामयाब जिंदगी। एक बुनियादी चीज है कि जो शख्स आप पे मजमे में तनकीद कर रहे हैं, जो शख्स मतलब कि सोशल मीडिया एक मजमे की सूरत है, जो 10 लोगों के दरमियान आप पे तनकीद कर रहा है और तासुर ये दे रहा है कि मैं तो आपकी इस्लाह चाहता हूँ, वो आपकी इस्लाह नहीं चाहता है, वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि जी कि मुझे इस बात का पता है और मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ, मतलब उसके दिल में ये चीज होती है कहीं ना कहीं। आपसे बहुत सीरियस है और आपकी इस्लाह करना चाहते हैं तो जिस शाह साहब ने कहा कि वो आपको अकेले में बताएगा कि कान में दूसरे शख्स को पता भी नहीं लगने देगा। तो ये बुनियादी फर्क कर लेंगे किसकी तनकीद को पॉजिटिव लेना है और किसकी तनकीद को कहना कि भाई आप तनकीद करते रहे, आप तनकीद करते रहे, इंशाल्लाह मैं कुछ करूंगा। तो आप मेहनत करते रहे, मेहनत से घबराएं नहीं।